फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लीजिए डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। अब यहाँ लिखा है टूडे वी विल लर्न टू अप्रिशिएट वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ नेचर। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो गिफ्ट्स जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। जैसे इसमें लिखा है ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्री जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा है, ट्री गिव अस अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वुड, फ्लावर्स एक्सेट्रा। यानी कि ट्रीज जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, फूल देते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डेट अ ट्री, एक जो पेड़ है, नीड्स, उसको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो एंड रिमेन हेल्थी। यानी कि उसे बड़े होने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन सी हैं वो चार चीज़ें, जल्दी से बताइए। सनलाइट यानी धूप की रोशनी, एयर माने हवा, वाटर माने पानी और सॉइल माने मिट्टी। सो लेट्स सिंग अ सॉन्ग अबाउट प्लांटिंग अ ट्री। चलिए तो आज हम लोग एक सॉन्ग गाते हैं जो कि आपका ट्री प्लांटिंग के ऊपर है, यानी पेड़ लगाओ के ऊपर है। रीड अलाउड द पोएम गिवन बिलो, नीचे दी गई पोएम को जोर जोर से पढ़िए। लिटिल सीड यानी छोटा सा बीज, ये रहा, अ प्लांट इज लिटिल सीड। असलियत में एक पेड़, प्लांट जो है, एक पौधा जो है, वो एक छोटा सा बीज होता है। इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर, आउट कम द सन, और सूरज की रोशनी से क्या होगा, बिग एंड राउंड, बड़ा और गोल हो जाएगा। डाउन कम द रेन ड्रॉप, और जैसे ही उसके ऊपर रेन ड्रॉप गिरेगी, बारिश की बूंदें गिरेंगी, सॉफ्ट एंड स्लो, वो सॉफ्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अप कम अ फ्लावर, फिर उसके ऊपर एक फ्लावर आ जाएगा, ग्रो ग्रो ग्रो, जिसके बाद वो बड़ा होता चला जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है आपका, पढ़िए जल्दी से। द सर्कल द थिंग्स विच अ प्लांट नीडेड टू ग्रो, यानी कि उन चीज़ों को सर्कल कीजिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है एक पेड़ को बड़े होने के लिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे कि यहाँ एक आपको करके दिखाया गया है कि भाई बड़े होने के लिए पेड़ को सूरज की ज़रूरत पड़ती है। अब जूस की ज़रूरत तो हमें पड़ती है, लेकिन मिट्टी की ज़रूरत किसे पड़ती है, पेड़ को। सैंडविच भी हम खाते हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है। चॉकलेट्स भी हम खाते हैं, लेकिन उसको हवा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके निशान लगा दिए, आप भी लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको लिया गया लुक एट द पिक्चर गिवन टू, नीचे दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर, और यहाँ पे इसे करेक्ट ऑर्डर में इसके नंबर डालने हैं। दे टेल अस द स्टेप्स इन विच कैन ग्रो अ प्लांट, वो स्टेप्स जिसके थ्रू हम एक पेड़ को बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ज़मीन को खोदना होगा, अ डिग द अर्थ, ज़मीन को खोदना होगा। उसके बाद हमने उसमें प्लांट लगाने के लिए बीज डालना होगा। फिर उसके बाद हमें उसकी केयर करनी होगी, उसे पानी देना होगा, सूरज की रोशनी देनी होगी। उसके बाद वो हमारा एक अच्छा सा पेड़ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं, आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो यहाँ लाइन्स लिखी है उसको आपको लिखना है और उसी पर ही आपको नंबर डाल देने हैं, ओके। अब आप आगे देखिए, यहाँ आपके टीचर्स को नोट दिया गया कि भाई वो आपको अच्छे से वर्कशीट समझाएं, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाई दी है। अब यहाँ आपके पेरेंट्स से कहा गया है, बच्चों को पेड़ पौधों के लाभ बताते हुए पेड़ लगाने के लिए तथा उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित कीजिए। कि भाई पेड़ हमें इतनी ढेर सारी चीज़ें देते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, कॉपियों पे लिखते हैं, वो भी हमें पेड़ों से ही मिलती है, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। और अगर कहीं कोई पेड़ लगा है, उसको किसी ने पानी नहीं दिया, तो हमें उसे पानी दे देना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।